दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग को बताया था YouTube की कैटेगरीज के बारे में बताया था, यानी जब आप अपना वीडियो बनाते हैं उसके बाद वहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आप उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब उस टाइम बाद जो है हमारा वो वीडियो जो है अभी वायरल हो गया है तो उस पर काफ़ी सारे व्यूज आ गए हैं, तो वहां पर जो है बहुत सारे भाई लोग का मैसेज आता है कि भाई हम जो है मोटिवेशनल वीडियोज बनाते हैं तो उसमें जो है कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें, यानी कि उसमें जो है किस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करें ताकि जो है हमारा जो है वहां पर एक प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है आप लोग को बताने वाले हैं कि आप यदि मोटिवेशनल वीडियोज बनाते हैं तो आपको जो है उसमें कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर डिटेल में समझ में आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभांशु, स्वागत है आप सभी का टेकवी के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप लोग अपने वीडियोज को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद जस्ट आप अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको जब कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जो है यहाँ पर ऑन किया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज का ऑप्शन जो है आप लोग के सामने आता है। आप साइड में यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा देंगे, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, या फिर आप जब अपलोड करते होंगे वीडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आपको वहाँ जो है दिखा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज के लिए क्या है, एक तो सबसे पहला हो गया एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, यदि आप सॉन्ग का यूज करके अपने वीडियोज को बनाते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है, म्यूजिक्स का। एंड तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है पीपल्स एंड ब्लॉग्स का। तो अब इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज में भी जो है आपको चुनना पड़ता है कि हाँ हमारे लिए कौन सी बेटर कैटेगरी है। तो यदि आप मोटिवेशनल वीडियोज बनाते हैं तो आपके लिए ये जो तीन कैटेगरी हमने बताई ये आपके लिए बेटर है, लेकिन इसमें से भी जो है आपके लिए बेटर कैटेगरी कौन सी है। तो दोस्तों यदि आप मोटिवेशनल वीडियोज बनाते हैं तो आपको पता है कि वो वीडियो जो है एक एजुकेशन टाइप का होता है, तो आपको जो है वहां पर एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जो मोटिवेशनल वीडियोज होती है उसको भी जो है हम एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही जो है वीडियोज को अपलोड करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है म्यूजिक्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सॉन्ग्स का यूज करके अपने वीडियोज को बनाते हैं तो वहां पर जो है म्यूजिक्स कैटेगरी भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दें म्यूजिक्स कैटेगरी में बहुत सारी म्यूजिक्स आती हैं, कई प्रकार की म्यूजिक्स आती हैं, लेकिन यहां पर आपका नीच क्या है, आप किन लोग को अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप यदि मोटिवेशनल वीडियोज बना रहे हैं तो आपका यही उद्देश्य है कि हमारा जो वीडियो देखने वाले हैं वो जो है जो एजुकेशन बैकग्राउंड से है उनके पास हमारी वीडियो जाए। तो जब आप एजुकेशनल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उन्हीं लोग के पास आपकी वीडियो रिकमेंड होगी जो कि बार बार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कैटेगरी है, पीपल्स हो गया, पीपल्स एंड ब्लॉग्स की कैटेगरी हो गई। तो इस तरीके से जो दोस्तों ये सबसे नॉर्मल कैटेगरी होती है, जिनको नहीं पता होता है तो ऑलरेडी ये जो है सिलेक्टेड कैटेगरी होती है, तो आपका जो है इस कैटेगरी में सभी का वीडियो जाता है। तो यहाँ पर यदि आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो आप यहाँ पर जो है इस कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप जब एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो जो है उन्हीं लोग के पास जाएगी जिसको आप दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप दिखाना किनको चाहते हैं, जो कि एजुकेशन से जुड़े लोग हैं वही जो है मोटिवेशनल वीडियोज को देखते हैं। तो आपको वहां पर सिलेक्ट क्या करना चाहिए, आपको वहां पर एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपकी वीडियो जो है रैंक हो, आपकी वीडियो रिकमेंड में जाए, आपके वीडियोज पर बहुत सारे व्यू जाएं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे भाई लोग का जो है कमेंट इस पर आ रहा था कि आप इस पर वीडियो बनाए, तो फाइनली जो है इस पर हमने आज का ये वीडियो बनाया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई और डाउट हो, किसी और टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।